मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सर्वे ऑफ इंडिया ग्राउंड हाथी बड़कला में आयोग लखपति दीदी मेला कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1,00,000 रूपये से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए। कि हम लखपति दीदी योजना प्रारंभ कर रहे हैं, 2025 तक 1,25,000 बहनों को हम लखपति बनाएंगे और आज लखपति मेला उन्हीं के निमित्त यहां पर आयोजित किया गया है और हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हम सभी मातृ शक्ति के उत्थान के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती गीता धामी के साथ इगास के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में गौ पूजा कर प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने देवउठनी ग्यारस के इस पावन अवसर पर तुलसी पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने सभी को इगास की बधाई देते हुए इस लोक पर्व को उत्साह के साथ मनाने का आग्रह किया। कृष्णा नदी को पुनर्जीवित करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व में जारी अपनी योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी से आग्रह किया कि कृष्णा नदी को पूर्व जीवित करने में अपना योगदान दें। कृष्णा नदी के उद्गम क्षेत्र में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रिस्पना नदी में केवल स्वयं नहीं बल्कि तमाम जो हमारे साधु संत हैं, परमार्थ निकेतन के जो परमाध्यक्ष हैं, जो पतंजलि के सचिव हैं आचार्य बालकृष्ण, देहरादून के बड़े उद्योगपति हैं डॉक्टर फारूक, डॉक्टर अपने राकेश ओबराय जी, पर्यावरण से जुड़े हुए तमाम हरराज सिंह जी आज भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी हमारे साथ में पहले दिन से, उमेश्वर रावत जी, तमाम ऐसे लोग, मैं क्योंकि नाम लेने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया था, तब हमने इसकी शुरुआत की थी और मुख्यमंत्री रहते हुए हमने पुनः उसको शुरू किया। जनपद पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के लक्ष्मण झूला के केदार सिंह भंडारी मामले में कोर्ट के आदेश पर लक्ष्मण झूले के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह और तपोवन चौकी प्रभारी आशीष कुमार के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। मामले में पुलिस ने विवेचना भी शुरू कर दी है। महिलाओं को आरक्षण पर रोक संबंधित उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति उपरांत महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर की गई थी, उसी पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश की महिलाओं के हित में दिए गए फैसले का कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भी स्वागत किया है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी जी की सरकार महिलाओं की हर प्रकार की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से प्रतिबद्ध है और मैं कह सकती हूँ हमारी सरकार की वो मजबूत पैरवी रही है। जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर पर जो है वो स्टे लगाने का काम किया है, जिससे साफ पता चलता है कि हमारी सरकार की मंशा, हमारी सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक थी कि हमने उत्तराखंड की मूल महिलाओं को 30% का आरक्षण, 36 आरक्षण दिया था जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे से जो है झलकता है। मैं मानती हूँ कि हमारी सरकार और मजबूत पैरवी करेगी।